दीपक सर शुरू करते हैं बेटा क्लास 12 की फिजिक्स। क्लास 12 की फिजिक्स की जब बात करते हैं तो यूनिट नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे बेटा, राइट। सो गाइस दैट इज यूनिट नंबर 1। व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनिट नंबर 1? द नेम ऑफ द यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ध्यान से समझिएगा बेटा, किसी भी यूनिट का नाम जब रखा जाता है ना तो उसका कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें कि सर इलेक्ट्रोस्टेट जो यूनिट है इसका मीनिंग क्या है, तो हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट को हम टू पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट? फर्स्ट वन इज दैट इज इलेक्ट्रो और सेकेंड वन इज स्टैटिक्स, राइट। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रो आ रहा है ना बेटा, दिस इलेक्ट्रो वर्ड इज रिफर फॉर चार्ज। This electro word is refer for charge and statics is refer for rest. अच्छा, इसका मीनिंग क्या निकला? तो इसका मीनिंग ये निकला कि the study of charge at the rest position is called the electrostatics. ठीक है, ध्यान से सुनिए step by step। जब पूरा lecture complete होगा ना बेटा तो सारी बातें आपके दिमाग में save हो चुकी होगी, ठीक है। Starting से देखते जाइए। चलिए, तो बात हम कर रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले यूनिट का नाम क्या है, दैट यूनिट नेम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द मीनिंग ऑफ दिस इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट द रेस्ट, ठीक है। मतलब यहां पर ध्यान से समझिए, रेस्ट पर हम रख रहे हैं चार्ज को। मतलब कि इस पूरी यूनिट की अगर हम बात करें ना बेटा, ये यूनिट अगर पूरी एक मूवी है, ध्यान से समझिएगा, ये बातें आपको ज्यादा समझ में आती है, राइट। अगर ये एक मूवी है ना तो इसका हीरो जो है ना बेटा, दैट हीरो इज चार्ज, राइट। बात समझ गए आप लोग, राइट। इस पूरे यूनिट का जो फोकस है वो चार्ज के अकॉर्डिंग रहेगा, मतलब चार्ज की ही स्टडी करनी है हमें, राइट। तो यहां पर बात आती है कि सर ये चार्ज होता क्या है, ठीक है। क्वेश्चन माइंड में यही आता है कि सर होता क्या है सर चार्ज, तो चार्ज की हम बात करने वाले हैं। अच्छा, चार्ज की स्टडी करने से पहले मुझे आप बताइए कि क्या कोई भी बॉडी जो है वो बिना एटम की है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कोई ऐसी बॉडी जो बिना एटम की बनी हो? नहीं ना बेटा, एवरी मैटर इज मेड बाय द एटम्स ना, राइट। और एटम की अगर हम बात करें तो क्या आप उसका स्ट्रक्चर आपको पता है? तो ये रहा देखिए, एटम की अगर हम बात करें बेटा, ऑर्बिट्स में बताइए क्या होते हैं? क्या ऑर्बिट्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या? राइट, वेरी गुड। अच्छा, उसके एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक। ये हमारे पास बने हुए हैं, दीज आर द प्रोटॉन्स और दिस इज द न्यूट्रॉन, ठीक। इनके बारे में भी आपको पता है। अच्छा, इनकी एक और कैरेक्टरिस्टिक जो आप अभी तक पढ़ते तो आ रहे हो लेकिन आपने फोकस उस पर अभी तक नहीं किया, राइट। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? चार्ज। आप लोग बोलते हो कि सर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और प्रोटॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? दीज आर द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, राइट। आप बोलते तो हो, फोकस आपने अभी तक नहीं किया। मतलब कि हमारे पास हर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है बेटा, राइट। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है ना, इनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या? चार्ज, ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन जो है, अभी मैं पूरी प्रॉपर तरीके से आपको डेफिनेशन देने वाला हूं। मैं आपको जब बोलूंगा कि स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको ले लेना है, उसके अलावा हो सकता है मैं नहीं बोल पाऊं, ठीक है ना, फ्लो में। तो आपको खुद को ध्यान रखना है कि कब आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इज इट क्लियर? चलिए तो आगे चलते हैं। तो हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हर बॉडी के अंदर है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं बेटा, उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब बात ये आती है कि अगर कहीं पर एक इलेक्ट्रॉन है तो आप समझ जाओगे कि एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन है तो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन जा रहा है उस पर कोई चार्ज नहीं है। पर बात ये आती है कि हमारे पास कब हम किसी बॉडी को, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कब हम किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बॉडी बोलेंगे, कब किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज बॉडी बोलेंगे और कब किसी बॉडी को न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे, वो हम हमें अब समझना है। मेरी बात क्लियर? राइट। पार्टिकल की बात आप समझ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, उस पर नेचर कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं बॉडी की, ध्यान से समझिए। चलिए, तो बेटा जब हम बॉडी की बात करते हैं ना, तो उसके लिए मैं यहां पर कुछ एग्जांपल से आपको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, समझिएगा। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉडी है जिसके पास 7 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अच्छा, अगर मुझसे कोई बोलेगा कि क्या इस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारा आंसर होगा बिल्कुल है, राइट। व्हाई? बिकॉज पॉजिटिव तो है ना बेटा, उसमें प्रोटॉन्स तो है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज भी है,
लेकिन जब हमसे नेट चार्ज की बात की जाएगी तो बेटा नेट चार्ज बताइए कितना होगा माय डियर, राइट? व्हाट इज द नेट चार्ज? सो नेट चार्ज इज जीरो, प्लस सेवन माइनस सेवन नेट चार्ज इज जीरो। तो क्या मेरी बात आप समझ रहे हो? बात यह है कि बॉडी को कब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बोलना है, ठीक है बेटा? ये सब चीजें आगे काम आएगी बेटा पूरे इस यूनिट के अंदर, जिस यूनिट में हमारे दो चैप्टर्स कवर होंगे। याद रखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग जो टू चैप्टर्स है ना बेटा, फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, और सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है? दोनों चैप्टर हमारे पास है, नाम दोबारा बोल देता हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दो चैप्टर जो है उस यूनिट में कवर होने वाले हैं। मतलब इन दोनों चैप्टर्स में हमारा जो चार्ज पार्टिकल है या चार्ज बॉडी है वो कैसी रहने वाली है? वो रेस्ट पे रहने वाली है, मोशन नहीं होगा। जब चार्ज पार्टिकल का मोशन होता है ना बेटा, तो फिर हम अगली यूनिट में चले जाते हैं, नेक्स्ट यूनिट में चले जाते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट यूनिट में जब जाएंगे तो वहां चार्ज फ्लो करेगा, जब चार्ज फ्लो करेगा तो हमारे पास करंट डेवलप होगी। ये आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है ना? टेंथ में आपने पढ़ा था इसके बारे में कि द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज डेवलप करंट, इज इट क्लियर? अच्छा मुझे बताइए क्या इस यूनिट में करंट की बात हम लोग करेंगे क्या? नहीं। Why बेटा? Because charge is at rest now, right? So charge rest पर रहेगा तो current की बात नहीं होगी। मतलब starting के दो chapters और इस unit में हमारे पास current की बात हम लोग नहीं करेंगे। चलिए वापस आते हैं। तो हमारे पास किसी body के पास जितना positive उतना negative अगर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? Neutral body बोलते हैं, ठीक है बेटा? चलिए So this is a neutral body, ठीक है? अच्छा एक चीज और देखिए, यहां पर मेरे पास अगर मान लीजिए मेरे पास दो बॉडी है, राइट? और इसके पास मेरे पास फाइव प्रोटॉन्स हैं और फाइव इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा इसके पास टेन प्रोटॉन्स हैं और टेन इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? अच्छा यहां पर बताइए मुझे कि दोनों अभी कैसी हैं, क्या दोनों न्यूट्रल बॉडीज हैं? अगर दोनों न्यूट्रल बॉडीज हैं तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इस बॉडी से मान लीजिए टू इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो गया। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि इस बॉडी ने क्या कर दिया, टू इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर दिया। जैसे ही इस बॉडी ने टू इलेक्ट्रॉन का लॉस किया बेटा, यहां पर क्या होगा? माइनस टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो यहां पर एट इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अच्छा यहां पर जब एट इलेक्ट्रॉन बचे तो मुझे आप ये बताइए कि अब यहां पर बाहुबली कौन है, राइट? कौन यहां पर ज्यादा है, इफिशियंसी किसकी ज्यादा है? पहले जब दोनों बराबर थे तो बॉडी न्यूट्रल थी, अब यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, तो हमारे पास प्रोटॉन ज्यादा हो गए। जब प्रोटॉन बॉडी के पास ज्यादा हो गए तो दिस बॉडी बिकम पॉजिटिव चार्ज। तो बॉडी कब चार्ज होती है, पॉजिटिव कब बोलते हैं, नेगेटिव कब बोलते हैं बॉडी को, वो हम सीख रहे हैं, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो हम समझ जाएंगे सर नेगेटिव पार्टिकल जा रहा है, प्रोटॉन मूव कर रहा है तो हम समझ जाएंगे पॉजिटिव पार्टिकल मूव कर रहा है, पर बॉडी की बात कैसे करनी है वो हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है? तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो नेट इफेक्ट किसका आएगा? प्रोटॉन्स का, तो बॉडी बन गई पॉजिटिव चार्ज। ये बात कर इसके बाद इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया ना, तो जब इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया बेटा तो इसके पास क्या हो गए, इसके पास सेवन इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बताइए यहां पावरफुल कौन बना, क्या यहां पावरफुल इलेक्ट्रॉन बने? और जब पावरफुल इलेक्ट्रॉन बने तो मुझे बताइए कि बॉडी क्या बन जाएगी, बॉडी बन जाएगी सर नेगेटिव चार्ज। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? ठीक है बिल्कुल बेटा। देखिए अगर आप बिल्कुल माइंड को फोकस करके वीडियोस को देखेंगे ना तो डेफिनेटली 100% आपको सारी बातें समझ में आने वाली है, ठीक है? परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक? चलिए तो बॉडी को कब पॉजिटिव बोलना है, कब नेगेटिव चार्ज बोलना है, ठीक है, कब न्यूट्रल बोलना है, ये सारी बातें हम लोग समझ चुके हैं, ठीक? इसके अलावा कुछ और बातें जो हमें जाननी है वो क्या है? देखिए मैंने आपको ये बोला कि अगर आपके पास दो बॉडी है तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है। तो हमने सीख लिया कि इलेक्ट्रॉन का लॉस अगर होता है न्यूट्रल बॉडी से तो वो क्या बन जाती है, वो पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाता है तो बन जाती है नेगेटिव चार्ज। अच्छा इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं इलेक्ट्रॉन का ही लॉस और गेन क्यों करा रहा हूं, हम प्रोटॉन्स की बात नहीं करते, तो क्यों नहीं करते, ये क्वेश्चन माइंड में जो आना चाहिए, ठीक है? प्रोटॉन्स की बात हम क्यों नहीं करते बेटा, तो इसका आंसर सुन लीजिए कि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो मुझे आप बताइए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट्स में होते हैं ना, राइट? ये अगर न्यूक्लियस है, ये एटम है, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऑर्बिट्स में होंगे, और
न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, क्या मेरी बात क्लियर? राइट, तो मुझे बताइए कि जब हमें किसी को निकालना है, अगर मान लीजिए हमें प्रोटॉन को निकालना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट, हमें मेहनत करनी पड़ेगी ना, मेहनत क्या, वर्क, और वर्क किस फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में देनी पड़ेगी। जब आप एनर्जी दोगे प्रोटॉन को निकालने के लिए तो बेटा पहले तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, क्योंकि वो तो ऑर्बिट में है, तो बेटा सबसे पहले कौन निकल जाया करते हैं, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तक तो आप पहुंचोगे ही नहीं यार, प्रोटॉन तक पहुंचने लगोगे तो इलेक्ट्रॉन तो पहले ही निकल चुके होंगे। तो इसलिए हमेशा लॉस या गेन किसका किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का किया जाता है, प्रोटॉन्स का नहीं, क्योंकि प्रोटॉन कहां है, न्यूक्लियस में है। ज्यादा एनर्जी चाहिए तब तक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुके होंगे, क्या मेरी बात क्लियर? अच्छी तरह से आगे चलते हैं। इसमें एक चीज और देखिए बेटा, एक चीज और जो मुझे समझानी है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए जैसे एक मास होता है ना, अब एक नई चीज, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक, अब हम एक और चीज बात करने वाले हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मास है, अच्छा मास के जो आसपास फील्ड होता है, क्या उस फील्ड का नाम ग्रेविटेशनल फील्ड होता है? आपने पढ़ा था ना 9th क्लास में, ठीक है, कि अगर कोई मास है मान लीजिए m, उसके आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, राइट। अच्छा इसके अलावा कोई मैग्नेट अगर होती है तो बताइए मैग्नेट के आसपास एक फील्ड होता है ना, उसका नाम क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये बात आपको पता है ना बेटा कि हमारे पास अगर मास है तो आसपास जो फील्ड होगा उसका नाम ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, मैग्नेट अगर है तो उसके आसपास जो फील्ड है उसका नाम मैग्नेटिक फील्ड होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब याद रखना कि अगर हमारे पास कहीं पर चार्ज पार्टिकल है, चार्ज को क्यों से रिनाउंड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास चार्ज अगर है तो उसके आसपास भी एक फील्ड होगा, जिस फील्ड का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, एक मास के आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, बिल्कुल उसी तरह से हर चार्ज पार्टिकल के आसपास भी एक फील्ड होता है, उस फील्ड का नाम होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मेरी बात क्लियर? राइट, तो बेटा हमने सीख लिया कि अब सर हमारी 12th क्लास में हमारे पास नए फील्ड का नाम हमें बहुत ज्यादा आने वाला है, उस फील्ड का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि अगर हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है, ध्यान से सुन लीजिए, कि अगर हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है ना तो उसके आसपास कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहे चार्ज रेस्ट में रहे चार्ज मोशन करे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही। अच्छा मैंने यहां स्पेसिफाई रेस्ट क्यों लिखा, देखिए जरा, अगर आपका चार्ज पार्टिकल मोशन में है, अगर आपका चार्ज पार्टिकल मोशन में है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, देखिए चाहे चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, एक चीज तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, राइट। अब बात आती है कि जब हमारा चार्ज पार्टिकल मोशन करता है, मुझे बताइए कि जब आपका चार्ज मोशन करता है तो हमने छोटी क्लास में 10th क्लास में पढ़ा था कि द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज बताइए क्या होता है, क्या द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज करंट होता है क्या, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना बेटा कहीं पर, तो द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज अगर हमारे पास करंट होता है तो मुझे बताइए आप कि जब चार्ज मोशन करेगा तो करंट तो डेवलप होगी, ये बात तो समझ में आ गई ना बेटा, रेस्ट में जब है तो करंट तो फ्लो नहीं होगी, मतलब हमारी जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं ना उसके लिए ये चीज काम की नहीं है अभी, ये बस मैं आपको एडिशनल बता रहा हूं, क्योंकि रेस्ट पोजीशंस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको फील्ड के बारे में भी थोड़ा बताना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो रेस्ट पे तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मोशन में होगा तो मोशन में होने से क्या डेवलप हो जाएगी, करंट डेवलप हो जाएगी, और मुझे बताइए कि जब करंट डेवलप होती है तो आपने 10th क्लास में कुछ पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, एक चीज आपको अच्छी तरह से ध्यान याद आ रहा है क्या, थंब को आपने रखा था करंट की डायरेक्शन में और फिंगर को घुमाया था, ये क्या बता रहा था यार आपको, आपने क्या किया, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा और फिंगर को घुमाना, फिंगर जो बता रही थी वो क्या बता रही थी, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब कि भाई जहां पर करंट होता है ना वहां पर एक फील्ड और डेवलप हो जाता है और उस फील्ड का नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है, मतलब आगे आने वाली यूनिट्स में हम क्या करेंगे, जब हमारा चार्ज मोशन करेगा ना तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही, जब भी चार्ज की बात हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंफर्म है, परमानेंट है, रजिस्टर्ड है। अगला फील्ड कौन सा आ जाएगा जो हम पढ़ेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि बेटा मैग्नेट से तो मैग्नेटिक फील्ड बनता ही है लेकिन करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है, और करंट होने का मतलब चार्ज का मोशन करना। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? वेरी गुड।
ठीक है बेटा। तो ये दो बातें फील्ड की मुझे बतानी थी जो आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है सर इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है बेटा, ये आप समझ चुके हैं। अच्छा अगर आप समझ चुके हैं तो मैं इसको सबसे पहले तो आप क्या करें, ठीक है ये मैंने इसको एक पेज पे कर दिया है, ठीक। ठीक है बेटा, आपको जिसने ये वाला स्क्रीनशॉट नहीं लिया था स्क्रीनशॉट ले सकता है वो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पर। तो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि टेंशन नहीं लेना, चार्ज की डेफिनेशन आएगी, ये डेफिनेशन, ठीक है। इस डेफिनेशन को मैं अब आपको समझा देता हूं क्योंकि अब आप डिजर्व करते हो समझने के लिए, राइट। देखिए सबसे पहले, अच्छा थोड़ा सा उसको मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है ना, डन, ठीक है बेटा, दिख रहा है आपको क्लियर, ठीक। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बेटा, वो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ठीक है ना, कुछ बात तो आप स्टार्टिंग की बात तो समझ चुके हो, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये बात तो आप समझ गए। एवरी बॉडी मेड बाय एटम, एटम हर बॉडी के अंदर है तो कंफर्म है कि बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हर बॉडी में है, तो चार्ज हर बॉडी के अंदर है। बात आती है कि बॉडी पॉजिटिव नेगेटिव कब होती है, तो कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देती है न्यूट्रल बॉडी तो वो क्या बन जाती है, इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगी न्यूट्रल बॉडी तो वो क्या बन जाती है, वो नेगेटिव चार्ज बन जाती है, ये बात भी आप समझ गए। अब यहां पर एक चीज और क्या लिखी हुई है, देखिए ध्यान से कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये बात क्लियर, राइट। इसके बाद दैट कॉज इनटू एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन कैप्ट इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि अगर बेटा मान लीजिए हमारे पास यहां पर, ठीक है ना, हमारे पास यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, फील्ड तो हमने समझा है ना, ये चार्ज होता है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। मान लीजिए यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको E से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा, इसके अंदर मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रॉन को रखा, अच्छा इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है कि नहीं है, जब आपने इलेक्ट्रॉन को रखा ना यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक फोर्स को फील करता है, उसको लगता है कि उस पर एक फोर्स लग रहा है, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, मतलब कि अगर अगर कोई पार्टिकल या बॉडी एक फोर्स को फील कर रही है, ध्यान से समझिए, कहां, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, और बॉडी या पार्टिकल क्या कर रही है, एक फोर्स को अगर एक्सपीरियंस कर रही है, फील कर रही है, इसका मतलब वो बॉडी क्या है, एक चार्ज बॉडी, ठीक है। इस डेफिनेशन का मीनिंग समझ गए आप, दोबारा समझ लीजिए, स्टैटिक लाइन तो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, ठीक है, जिसकी वजह से बाय विच इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है बेटा, वो क्या करती है, फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, कब, जब उसको कहां रखा जाता है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। Is it clear? इस definition का screenshot ले लीजिए, ठीक है, चलिए आगे चलें। Next, इसी में आप कुछ बातें और मैं आपके साथ करने वाला हूं, ठीक है, उसको समझिएगा ध्यान से। तो बेटा अब हमारे पास, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को समझ लिया है, तो अब हमारी बारी आती है समझने की किसको, द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को, किसको समझेंगे बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब बात आती है कि सर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कुछ प्रॉपर्टी तो आपको वैसे ही पता है, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि हमारे पास कितने टाइप ऑफ चार्जेस हुए, या तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी या फिर नेगेटिव चार्ज होगी, ठीक है, क्या मैं मान लू ये आपको आ गया है, गुड, ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगी या नेगेटिव चार्ज होगी। अच्छा सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी का भी आपको आइडिया है, अगर मेरे पास सेम चार्जेस होंगे, अगर मेरे पास सेम चार्जेस होंगे तो बताइए उनके बीच में क्या होता है, क्या सेम चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है बेटा, ठीक है, रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो बताइए क्या होगा, क्या अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है, राइट, मेरी बात समझ में आ गई बेटा, ठीक। दो प्रॉपर्टी जो आपको ऑलरेडी जिसके बारे में थोड़ा आइडिया है, फर्स्ट क्या है, दो टाइप हमारे पास चार्ज होगा, हमने समझ लिया का पॉजिटिव चार्ज होगी बॉडी का, नेगेटिव चार्ज होगी उसके अलावा। सेकंड क्या है कि सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, रिपल्शन और अट्रैक्शन। अच्छा अब मुझे बताइए कि अगर फिजिक्स के अंदर या कहीं पर भी दो बॉडी अगर किसी को अट्रैक्ट कर रही है, रिपेल कर रही है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसी कौन सी फिजिक्स की क्वांटिटी है जो इनके बीच में वर्क करती है,
अट्रैक्शन में और रिपल्शन के में ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो वर्क करती है, तो उस क्वांटिटी का नाम है बेटा फोर्स। ठीक है भाई फोर्स, अरे यार फोर्स लगेगा तभी तो अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा ना। तो मतलब क्या है बेटा कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अटैक या रिपेल कर पाते हैं क्योंकि उनके बीच में फोर्स लगता है। इसके बारे में जो स्टडी थी ना वो स्टडी की गई थी, किसने की थी वो स्टडी, कुलाम साइंटिस्ट ने। ठीक है ना कुलाम, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है ना उस फोर्स को रखा एक लॉ के अंदर जो है दैट इज कुलाम्स लॉ, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, हमारे आगे आएगा। ठीक है ना, जो भी नेक्स्ट वीडियोस होंगे ना बेटा उनमें डायरेक्ट टॉपिक मिलेगा आपको कुलाम्स लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, ये आपको मिलेगा। तो बेसिकली हम इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन हो पा रहा है, तो वो एक फोर्स की वजह से होता है। और वो फोर्स के बारे में हम सीखेंगे कहां, कुलाम्स लॉ के अंदर। क्या मेरी बात कंप्लीट है अभी, केवल आपको ये ऐसे याद होना चाहिए बस कि सेम चार्ज क्या कर रहे हैं रिपेल और अपोजिट क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं। इज इट क्लियर, सेकंड प्रॉपर्टी कंप्लीट है, वेरी गुड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक चलिए आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है थर्ड प्रॉपर्टी, एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हाट, द बेस चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा हमारे पास, द बेस चार्ज और फंडामेंटल चार्ज is the charge on one electron। ठीक है ध्यान से समझ लीजिए, देखिए एटम दिखता है क्या, बहुत छोटा होता है ना यार, एटम नहीं दिखता ना। अच्छा एटम नहीं दिखता तो क्या अंदर से इलेक्ट्रॉन दिखेगा क्या, अबे इलेक्ट्रॉन देख सकते हो क्या तुम लोग, नहीं ना। अच्छा इलेक्ट्रॉन इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा और उस पे भी चार्ज होता है, ध्यान से समझो मेरी बात, इलेक्ट्रॉन इतना छोटा हम नॉर्मली देख भी नहीं सकते उसको और उस पे भी चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ना बेटा इतने छोटे पार्टिकल का चार्ज, उस चार्ज को माना जाता है बेस चार्ज या फंडामेंटल चार्ज। राइट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम चार्ज की जब कैलकुलेशन करेंगे ना बेटा तो हम स्टैंडर्ड फंडामेंटल चार्ज किसको मानेंगे कैलकुलेशन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। मेरी बात कंप्लीट है, राइट। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास जो बेस चार्ज है ना बेटा, या फिर आप इसको फंडामेंटल चार्ज भी बोल सकते हो, ये किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। क्या यहां तक कंप्लीट, राइट। तो अब बात आती है कि सर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर बेस चार्ज माना जाता है तो बताइए सर कि यह होता कितना है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना बेटा दैट वैल्यू इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अच्छा नेचर क्या होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, नेचर होता है पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव। ठीक है नेचर कैसा होगा बेटा, नेचर होगा हमारे पास नेगेटिव। क्या मेरी बात कंप्लीट है, राइट। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस 19। अब आज के बाद याद रखनी है आप लोगों को, ध्यान रहेगी। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू कितनी होगी 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस 19। अब आगे क्या, अरे यूनिट तो होती होगी ना, जैसे भैया मास की यूनिट केजी है ऐसा यूनिट, ठीक है, टाइम की सेकंड है, फोर्स की न्यूटन है, वैसे ही चार्ज जो है बेटा उसकी ऐसा यूनिट होती है क्या, कूलम्ब। ठीक है तो याद रखिएगा, अगर अगर मेरे पास ये बोला जाता है कहीं पर मान लीजिए 10 केजी, तो मतलब क्या आप समझ गए कि मैं मास की बात कर रहा हूं, मैंने बोला 10 सेकंड क्या मैं टाइम की बात कर रहा हूं, मैंने बोला 10 न्यूटन क्या मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, और अगर मैंने बोला 10 कूलम मतलब मैं चार्ज की बात कर रहा हूं, राइट। मतलब बेटा आज के बाद आपको याद रखना है कि अगर कहीं पर दिया हुआ है 2 कूलम मतलब किसकी वैल्यू दी हुई है बेटा, चार्ज की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और चार्ज को जनरली क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, राइट, समझ में आ गई बात, ठीक। तो हमने सीखा
ये कैलकुलेशंस के लिए काम आएगा बेटा, ठीक है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जब किसी बॉडी पर हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे ना, राइट, जैसे मान लीजिए 2 कूलम आया, तो 2 कैसे आई वैल्यू, ये सब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर इसकी वैल्यू की इंपॉर्टेंस आपको नजर आएगी, ठीक है, समझ गए आप। तो आपको केवल क्या ध्यान रखना है, द बेस चार्ज या फंडामेंटल चार्ज, किसके चार्ज को बोला जाता है, किसके चार्ज को, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसका नेचर होता है नेगेटिव, और वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। कूलम इज व्हाट, आगे चलते हैं थोड़ा सा, कूलम इज व्हाट बेटा, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या, ठीक है, राइट। अच्छा इसको इधर नहीं लेके लो, इस तरफ ले लो, ठीक। चलिए तो और बात करते हैं, जब हमने सीख लिया कि सर हमारे पास चार्ज जो है उसकी एसआई यूनिट हमारे पास कूलम है, तो और कौन सी बातें हैं जो हमें इस पॉइंट में पता होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना बेटा, बेस चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इट्स वैल्यू इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। जब भी आप वीडियो देखो तो याद रखो, खुद भी प्रोनाउंस करें, जब मैं किसी वैल्यू को आपको बोलने को बोलता हूं ना, तो बोलोगे तो वो चीज याद रहेगी, ठीक है, राइट। चलिए अब इस पॉइंट में मैं कुछ और बातें आपको सिखाना चाहता हूँ, क्या ऐसा यूनिट तो हम समझ गए कूलम है, ठीक है। इसके अलावा बेटा इसकी कुछ कॉमन यूनिट्स भी हैं, ठीक है ना, लिखना स्क्रीनशॉट लास्ट में लेना है, पूरा इसको, ठीक है ना, कंप्रेस कर दूंगा। चलिए तो हमारे पास कॉमन यूनिट, तो कॉमन यूनिट में हम बोलते हैं कि मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 1 μC, माइक्रो मतलब क्या, 10⁻¹ कूलम, ठीक है ना, 1 mC मतलब 10⁻³ कूलम, ठीक है, 1 nC मतलब 10⁻⁹ कूलम, ठीक है बेटा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, कैलकुलेशन जब आप करोगे, न्यूमेरिकल करोगे तो वहां आपके सामने आएगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या है सर, देखिए इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास इसके अलावा होती है सीजीएस यूनिट, क्या होती है बेटा, सीजीएस यूनिट, ठीक है ना। देखिए तो मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास ऐसा यूनिट तो हम समझ गए, ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम, और इसके अलावा सीजीएस यूनिट जो है वो सीजीएस यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो बेटा यहां पर सीजीएस यूनिट जो होती है ना वो हमारे पास है दो, कौन कौन सी दो, एक होती है हमारे पास, ठीक है, सीजीएस यूनिट को अगर हम डिवाइड करें तो वो इस तरह से दो टाइम में डिवाइड करेंगे, एक यूनिट होती है ईएसयू और एक होती है ईएमयू, ठीक है। ईएसयू का फुल फॉर्म क्या है बेटा, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, ठीक है। फर्स्ट यूनिट सीजीएस, दो यूनिट है, एक ईएसयू है, ईएमयू है। अच्छा ईएमयू की बात करें तो ईएमयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बताइए, दैट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। अच्छा ESU और EMU ये दो नाम तो आपको याद हो गए। अब देखिए बेटा ESU जो होता है ना उसका एक नाम और है, दैट नेम इज स्टेट कूलम, जो बहुत ज्यादा सुनाई देता है और आपको याद होना चाहिए, दैट इज स्टेट कूलम, राइट। और दूसरा EMU जो है उसका दूसरा नाम होता है एब्सोल्यूट कूलम, ठीक। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए किसकी सीजीएस यूनिट बताइए, तो सीजीएस यूनिट हमारे पास दो है, एक है ईएसयू और एक है ईएमयू। अच्छा ईएसयू का मतलब क्या है, जब चार्ज रेस्ट में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का मतलब कौन सी, जब चार्ज रेस्ट में है। ईएमयू मतलब क्या होगा बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट मतलब चार्ज जब मोशन कर रहा होगा, ठीक है। सिचुएशन वाइज जहां पर जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको बात करनी है, ठीक है ना। अच्छा इसमें मैं एक चीज और आपको बताता हूं कि हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, वो है इनका रिलेशन, ठीक है ना बेटा, वो मैं आपको बता देता हूं, दैट इज रिलेशन किस किस के बीच में, बिटवीन कूलम, स्टेट कूलम एंड एब्सोल्यूट कूलम, राइट। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है बेटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, ठीक है, आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा कहीं पर, ठीक है ना। जब आप देखोगे चीजें और ढंग से अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ोगे तब जाके मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा हूं कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो आपको याद रखना है, वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये है कि दैट इज 1 कूलम इक्वल्स टू होता है बेटा 3 × 10⁹ स्टेट कूलम,
इक्वल्स टू होता है 1/10 एब्सोल्यूट कूलम. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, आपको अच्छी तरह से ये याद होना चाहिए कब कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है ध्यान रखिए इस बात को. तो हमारे पास रिलेशन, अच्छा मैं याद कैसे रहेगा बताता हूं, ये वैल्यू आपको सिंपल याद हो जाएगी. स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वैक्यूम में वो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. अच्छा उस वैल्यू में 8×10 और लगा दो आपको याद हो जाएगा 3×10⁹ स्टेट कूलम याद रहेगा, रटना नहीं है, ठीक है. स्पीड ऑफ लाइट आपको ऑलरेडी याद हो जाएगी, बिल्कुल उसी की तरह से आपको क्या कर लेना, ये आपको याद रहेगी 100% रहेगी, ठीक है बेटा. चलिए तो रिलेशन आपको पता चल चुका है, ठीक है ना. क्वेश्चन बनेगा अभी मैं कराऊंगा आपको, क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए, इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है. याद हो गया आपको कंप्लीट, ठीक. अच्छा इसी में और बात सुनिए, ये थर्ड प्रॉपर्टी की बातें चल रही है सारी अभी तक, ठीक है. फिर हम अभी इसको एक साथ ले लेंगे, ठीक है ना बेटा. तो रिलेशन बिटवीन द कूलम स्टेट कूलम एंड एब्सोल्यूट कूलम, राइट. तो हमारे पास चार जो है उसकी दो यूनिट, एक तो हमारे पास एसआई यूनिट और एक सीजीएस यूनिट. एसआई यूनिट जो होती है वो कूलम है, फिक्स है. अरे जनरली कूलम ही मिलेगा, सीजीएस यूनिट बहुत कम देखने को मिलेगी, पर यार कम जो है उसको भी तो पढ़ना पड़ेगा ना कि कहां तक मिल सकता है, ठीक है. चलिए तो सीजीएस यूनिट कितनी हुई फिर, दो, एक होती है ईएसयू और एक होती है ईएमयू. ईएसयू जो है उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, उसका एक नाम और स्टेट कूलम, ठीक है. अच्छा इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूं बेटा, इसका एक नाम और है, ठीक है ना, इसका एक नाम और है, वो है फ्रैंकलिन. फ्रैंकलिन तो हमारे पास ESU, इसके सीजीएस यूनिट जो है ना उसके तीन नाम हमारे पास बन गए हैं ESU वाले फॉर्मेट के. ESU बोल सकते हो आप, स्टेट कूलम बोल सकते हो, फ्रैंकलिन बोल सकते हो, साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, उनके बेसिस पर भी रख दिया गया है, कहीं पर आपको मिलेगा ये तीनों चीज मिल सकती है. इसके अलावा आपको समझ जाना है कि एब्सोल्यूट कूलम भी अगर मैं लिखा हुआ दूसरा साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है ना बेटा, तो उसके बेसिस पर इसको भी सीजीएस के अंदर रखा गया है, ठीक है ना, सीजीएस सिस्टम के अंदर. बस याद रखिए ये ईएमयू वाला कॉन्सेप्ट है, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट. डन, क्या आप चार्ज की यूनिट समझ गए हो, सीजीएस यूनिट दो है वो समझ गए हो, दो के अंदर भी इनके नाम आप समझ गए हो, ठीक है ना, इन तीनों में से एक नाम मिल जाता है, समझ जाएंगे आप. कहीं पर फ्रैंकलिन लिखा हुआ है, इसका मतलब स्टेट कूलम की ही बात कर रहा है, ठीक. रिलेशन आपके जहन में अच्छी तरह से उतर गया होगा, ठीक है ना, अच्छी तरह से, ठीक है बेटा. वीडियो अगर आप ढंग से देखोगे, वीडियो देखने के कुछ स्टेप्स मैं आपको बता देता हूं. पहला, कॉपी पेन आपके हाथ में रहना चाहिए. दूसरा, जब भी आप वीडियो देखते हैं ना बेटा, तो आप सेपरेट रूम होना चाहिए, ठीक है. यानी आप खाना खा रहे हो, ठीक है भाई वीडियो देख रहे हो, नहीं मैं बोल रहा हूँ, जो काम खाना खा रहे हो मूवी देख रहे हो तो फिर मूवी देखो, ठीक है. बहुत से क्या हॉल में बैठे, ठीक है टीवी चल रहे हैं भैया, मूवी आपका वीडियो भी देख रहे हैं, नहीं यार वो यूजलेस, मतलब मान लो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे उसमें. चाहे आप 10 मिनट ही देखो, लेकिन 10 मिनट आपने ऐसा देखा ऐसी जगह पर, बिल्कुल शांत, आस पास डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, तब जाके आपको फील आएगा, कनेक्टिविटी होगी, ठीक है, और मुझसे आराम से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है. चलिए डन, तो ये चीज आपने समझ ली. इसमें एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि बेटा हमारे पास इसके बारे में क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है ना बेटा. अगर हमसे ये भी पूछा हुआ है कहीं पर, तो मैं आपको सारे पॉइंट देखिए, बेसिक से बेसिक पॉइंट भी मैं क्लियर करता चलूंगा, ठीक है, और कहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम मतलब बोर्ड्स में या कॉम्पिटिशन के अंदर, ठीक है, वो सारी बातें आपकी क्लियर होगी. बेटा पूछा गया था कि हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, उस पर जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना बेटा, उसकी जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट की गई थी पता है आपको? वो एक केमिस्ट्री में एक एक्सपेरिमेंट है, जिस एक्सपेरिमेंट का केवल नाम याद रखना है आपको बस, दैट एक्सपेरिमेंट नेम इज मिलिगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. आप में से कुछ बच्चों ने वो पढ़ा भी ऑलरेडी, राइट. व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, दैट इज अ मिलिगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है. तो आपको याद रखना है बाय मिलिगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, राइट, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. क्या मेरी बात कंप्लीट है, राइट. तो बेटा हमें याद क्या रखना है, ये बस मिलेगा, ठीक है. ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, सारी बातें क्लियर होगी, बताया था आपको पहले भी, ठीक है. तो बाय मिलिकन एक साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उसके बेसिस पर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, वो कैसे आई थी, इस एक्सपेरिमेंट से आई थी, ठीक है. चलिए
तो अब आपका स्क्रीनशॉट लेने का टाइम हो गया, ठीक है, तो ये रहा होगा, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट जल्दी से, फास्ट हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलिए तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करें, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, बताइए मेरे पास, ये इससे पहले आप ये वाला करते हैं, ठीक है, मुझे आप बताइए कि जल्दी से फास्ट आप जब भी क्वेश्चन करेंगे क्या करना है, क्वेश्चन आप जैसे ही यहाँ स्क्रीन पर आया आपने पॉज कर लिया, ठीक है ना, और उसके बाद क्वेश्चन करोगे आप लोग, फिर जैसे आपको लगता है देखना चाहिए तो प्ले कर दोगे वापस, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, पूछा गया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वन कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो देखिए क्या बेटा, हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, क्या आपको ये पता है, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अच्छा, क्या इसको मैं ऐसे घुमा के लिख सकता हूं क्या कि 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन, राइट। अच्छा, अब यहां से तो चीजें और सिंपल हो गई, मुझे बताइए हमने बचपन में ऐसे क्वेश्चन किए ना, 10 पेन का चार्ज अगर 100 रुपीस है तो 1 पेन का कितना होगा, 10 पेन का चार्ज अगर 100 रुपीस है तो 1 पेन का कितना होगा, क्या 100/10, दिस डिजिट के नीचे चली जाती है, यही करता ना, बेसिक चीजें यार, टफ कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास इतने कूलम चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या बता सकते हैं 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1/1.6 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आई बात। अच्छा, ये तो यहां पर है नहीं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 10⁻¹⁹ ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, 10⁻¹⁹ ना, है ना बेटा, पावर चेंज हो जाती है ना, माइनस ऊपर आएगा तो प्लस बन जाएगा, ये आ गया और नीचे क्या 1.6, राइट। अच्छा, पॉइंट अगर हटा तो ऊपर 10 लग जाएगा, ये अरे कर सकते हैं ना यार, सिंपल है, राइट, ये पॉइंट हटा तो 10 लग गया। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं, आपके पास बेसिकली बना 10/16 × 10⁻¹⁹, ये बना। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक 10 क्या कर रहा हूं, उधार ले रहा हूं, ध्यान से समझना, जैसे मैंने एक 10 इधर लिया कितना बन गया 100, ताकि इधर की डिजिट बड़ी हो जाए, और इधर कितना मिला 10⁻¹⁹, राइट। अच्छा, 100/16 को अगर आप सॉल्व करोगे ना बेटा, तो दैट इज ऑलमोस्ट 6.24 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है ना बेटा, बेसिक सी बात थी, हम हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना, तो हमें पूछा गया है 1 कूलम चार्ज, राइट, 1 कूलम चार्ज जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो हमने निकाल लिया कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, मतलब इतना कूलम चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन पर, तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ गया क्या, और आंसर इज सी, इज इट क्लियर, कंप्लीट, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा भाई। चलिए अब मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए और इसको भी खुद करिए, ठीक है, मैं करा रहा हूं इसको, ठीक। तो हमारे पास वन स्टेट कूलम इज इक्वल टू कूलम्स, मतलब हमें बोला गया है कि एक स्टेट कूलम में कितने कूलम होंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे जो है वो बेचारे डिप्रेशन में आ जाएंगे, ठीक है भाई, सिंपल चीज है, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, कुछ बच्चे कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया वन स्टेट कूलम इक्वल टू कूलम्स, देखिए हमने एक रिलेशन पढ़ा था बिटवीन द कूलम, स्टेट कूलम और एब्सोल्यूट कूलम में, याद है आपको वो रिलेशन क्या था, दैट रिलेशन इज 1 कूलम इक्वल्स टू व्हाट, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम इज इक्वल टू द 1/10 एब्सोल्यूट कूलम, यही था, याद आ गया, ठीक। तो उसी रिलेशन को हम यहां पर काम में लेते हैं, ठीक है, हमें पता है, तो हम मैं लिख रहा हूं यहां पर बेटा, एज वी नो, अब वी नो, ठीक है ना, तो आप भी जानते हो ना यार, ठीक है, ओनली आई नो में दोनों, तो वी नो दैट 1 कूलम इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, राइट, याद है ना, राइट, बिल्कुल बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये घुमा के लिख दो, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम जो है इक्वल टू कितना है 1 कूलम, अब अगर बताइए इतने स्टेट कूलम में 1 कूलम है तो 1 स्टेट कूलम में कितना होगा, तो हमारे पास इतने में कितना दैट इज 1/3 × 10⁹ कूलम, क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या, अच्छी तरह से पक्का, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना बेटा, चलिए
ये है हमारे पास क्या कुछ बेसिक, हमने तीन प्रॉपर्टी की बात की अभी तक, और प्रॉपर्टीज है ना बेटा, टोटल हम सेवन प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। तीन प्रॉपर्टी है, फर्स्ट लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टेट का, ठीक है ना, ज्यादा टेंशन नहीं, मैं एक बार फटाफट ओरली आपको रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। देखिए हमने बात की 12th क्लास की यूनिट नंबर 1, फर्स्ट यूनिट के अंदर दो चैप्टर्स आते हैं, यूनिट 1 का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस व्हाट, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। इस यूनिट में दो चैप्टर आएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। डन। इसके बाद हमने बात की सर हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज जो है सर, चार्ज क्या है, तो चार्ज इज व्हाट, चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बेटा, ठीक है, किसी भी बॉडी की फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक, काउंटेबल जो है। इसके बाद हमने सीखा कि कोई बॉडी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव कब होती है, ठीक है, तो अगर हमारे पास किसी बॉडी के पास जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव अगर है तो वो बॉडी कैसी है, न्यूट्रल बॉडी, समझ गए आप। मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, ठीक है ना, अभी कैसा है, न्यूट्रल, मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, ठीक है ना। आगे हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है, पर अभी हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास बॉडी के पास जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव तो वो बॉडी कैसी है, न्यूट्रल बॉडी। अच्छा, किसी तरह से अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गए, लॉस कर गए, तो इलेक्ट्रॉन कम होगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो बॉडी क्या बनेगी, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो क्या बन जाएगी, नेगेटिव चार्ज। ये बात भी क्लियर, ठीक। इसके बाद हमने सीखा कि सर हमारे पास जब चार्ज रेस्ट पर होता है ना तो उसके आसपास जो फील्ड होता है वो फील्ड का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। ठीक, फर्स्ट यूनिट जो इलेक्ट्रोस्टेट है उसमें हमारा चार्ज रेस्ट पर ही रहेगा, मतलब स्टार्टिंग है दो चैप्टर्स में हम केवल एक फील्ड का नाम सुनेंगे, केवल एक फील्ड का नाम गूंजने वाला है, दैट फील्ड नेम इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर बेटा, वेरी गुड। इसके बाद हमने बात की अगर हमारा चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो मोशन करने पर करंट डेवलप होती है, और करंट होती है तो वहां आसपास कौन आता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो मतलब हमारे पास जब चार्ज मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है, साथ में कौन सा फील्ड आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या मेरी बात ये भी क्लियर है, वेरी गुड। इसके बाद हम कहां पहुंचे, इसके बाद हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हमने सीखा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, या तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी या नेगेटिव चार्ज होगी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, सेम चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि कोई किसी को अट्रैक्ट रिपेल कर रहा है, इसका मतलब उनके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा। अगर फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स के बारे में स्टडी की गई, और वो फोर्स के बारे में स्टडी की कुलाम साइंटिस्ट ने, और उन्होंने एक लॉ दिया कुलाम्स लॉ, जो आगे आएगा, ठीक है ना, जिसकी स्टडी हम पूरी डिटेल में करने वाले हैं। तो फोर्स के बारे में हम बात करेंगे आगे, ठीक, बस ये समझ लिया कि फोर्स की वजह से ऐसा होता है, ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी भी कंप्लीट। थर्ड प्रॉपर्टी जो हम चल रही है, जिससे क्वेश्चन हमने किया है, वो क्या है, द बेस चार्ज और द फंडामेंटल चार्ज इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। बेटा कैलकुलेशंस के लिए स्टैंडर्ड बेस फंडामेंटल किसको लिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज, और वो कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। दोबारा बोलिए सर, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। कूलम इज व्हाट, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। डन। ठीक, कूलम इज व्हाट, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है ना बेटा। कहीं पर भी चार्ज की वैल्यू दी हुई है तो वहां लिखा हुआ, मान लीजिए 4 कूलम, तो आप समझ गए चार्ज की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इसके बाद सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट कितनी है, दो, एक ईएसयू और एक ईएमयू। ईएसयू का एक और नाम क्या है, दैट इज अ स्टेट कूलम, एक और नाम क्या है, फ्रैंकलिन, समझ रहे। इधर हम आते हैं ईएमयू, ईएमयू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट मतलब इसका एक नाम और क्या है, एब्सोल्यूट कूलम, ठीक है। कहीं पर एब्सोल्यूट कूलम लिखा हुआ है, समझ जाओगे आप ईएमयू यूनिट की बात हुई है, सीजीएस के फॉर्म दोनों, ठीक है। ये मोशन में है, ये रेस्ट वाली है। सीजीएस की दो कैटेगरी बन गई, एक तो जब चार्ज रेस्ट में और एक चार्ज जब मोशन में, ठीक है। दोनों अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू दी गई है, तो हमें दोनों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद तो इसके तीन नाम समझ में आ गए आपको, स्टेट कूलम, ईएसयू और फ्रैंकलिन। इनके बीच में एक रिलेशन है, जिस रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है बेटा, ठीक है ना। हम सारी जगह कवर कर चलते हैं। रिलेशन क्या था, 1 कूलम इक्वल्स टू कितना, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम इक्वल्स टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम, ठीक है। यहां तक का फर्स्ट जो वीडियो है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। जब भी आप वीडियो अगर आप देख रहे हैं, आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, अब तरीके से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर टाइम लेके जब मैंने आपको बोला है वीडियो देखते हैं, पॉज करिए, क्वेश्चंस करने का तरीका भी मैं आपको सिखा चुका हूं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको सारी टेक्निक्स बताता चाहूंगा बेटा। फर्स्ट वीडियो है, बेसिक वीडियो है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।